हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइस, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के मामले के बारे में। सभी जानते हैं रात की जो खबर निकल के आ रही है, 3 मेंबर कमेटी यानी कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की अगुवाई में इंक्वायरी कमेटी ने रिपोर्ट जो है सबमिट यहाँ पर कर दी है। ठीक है, यहाँ पर द स्टेट लाइन न्यूज़ यूट्यूब चैनल अभी कन्फर्म किया था रात को कि जो रिपोर्ट है वो यहाँ पर सेंड कर दी है। अब जो है आपको बता दूँ, सवाल ये उठ रहे हैं, FFA रिक्रूटमेंट इज़ आल्सो फुल ऑफ स्कैम, लिस्ट स्क्रैप होगी या रिवाइज लिस्ट होगी। जितने भी बच्चे इस टाइम मेरे को देख रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो और सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर करूँगा आपके। ठीक है, अब आपको बता दूँ, सबसे पहले PSI की बात करूँ यानी कि पुलिस सब इंस्पेक्टर JKSSB की बात करूँ, तो देखिए क्या निकल के फैसला आया था। जब रिपोर्ट सबमिट की थी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को, ठीक है, और उसके बाद LG मनोज सिन्हा जी को, तो साफ बताया गया था कि लिस्ट में जो है स्कैम पाया गया है। तभी ये सोर्सेज से खबर निकल के आ गई थी कि लिस्ट में जो है आपका स्कैम पाया गया है, और स्कैम पाने के चलते जो है इसको फर्दर रिकमेंडेशंस, अब जो है 3 मेंबर कमेटी ने क्या रिकमेंड किया था, रिकमेंडेशन ये थी कि इसको हाई प्रोब ऑर्डर कर दिया जाए यानी कि CBI इंक्वायरी कर दी जाए इस मामले में, और जो है लिस्ट को स्क्रैप कर दिया जाए। ये क्या था, रिकमेंडेशन थी 3 मेंबर कमेटी की तरफ से कि स्कैम इतना बड़ा हुआ है कि लिस्ट को स्क्रैप करना ही पड़ेगा। अब बात करूं यहाँ पे जो रिपोर्ट सबमिट हुई है GED को, जो रिपोर्ट सबमिट होगी, जो रिपोर्ट जो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, जो रिपोर्ट कंप्लीट हो चुकी है उसमें जो खबर निकल के आ रही है सोर्सेज से, उसमें ये कहा जा रहा है कि रिक्रूटमेंट में जो स्कैम ज़रूर हुआ है। जी हाँ, जो FA जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी घुमाई जो कमेटी ने रिपोर्ट बनाई उसमें ये निकल के आया है कि इस रिक्रूटमेंट में स्कैम ज़रूर हुआ है, और जो है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इंक्वायरी कमेटी जो है रिकमेंड कर सकती है इसमें भी प्रोब। ठीक है, लेकिन ये नहीं कहा गया है कि उन्होंने कहा है कि लिस्ट को स्क्रैप कर दिया जाए, ये कोई भी न्यूज़ निकल के नहीं आ रही कि ये रिकमेंडेशन के बारे में कोई न्यूज़ नहीं आई है कि लिस्ट को स्क्रैप कर दिया जाए, और ना ही यही आया कि रिवाइज लिस्ट। तो इससे साफ जाहिर ये किया जा रहा है रिक्रूटमेंट में स्कैम पाए गए हैं, धांधली ज़रूर पाई गई है, लेकिन जो है ये बात जो है कि लिस्ट को स्क्रैप कर दिया जाए जैसे PSI में कहा गया था, वैसे अभी तक कोई भी न्यूज़ नहीं आई है। अब जो है फर्दर क्या आपको होने वाला, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, फेसबुक की बात करूं, ट्विटर की बात करूं, लगातार ट्वीट्स आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सभी जानते हैं डिसीज़न आने वाला है, तो क्या डिसीज़न होगा, क्या बच्चों के फेवर में होगा, क्या नहीं होगा। देखिए, जो रिपोर्ट पेश करेगा हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जी पेश करेंगे, उसमें साफ जाहिर करेंगे, जो पेजेस की रिपोर्ट होगी साफ जाहिर करेंगे किस लेवल में स्कैम हुआ है, किस टाइप का स्कैम हुआ, क्या पेपर लीक हुआ था, पेपर सोल्ड हुआ था, या फिर बाद में कोई पेपर में धांधली पाई गई एग्ज़ाम चेकिंग में, तो उसमें भी ये उस हिसाब से जो लिस्ट को यहाँ पे स्क्रैप किया जाएगा या फिर रिवाइज लिस्ट पेश की जाएगी। बच्चों की डिमांड करूँ तो दो टाइप के बच्चे, एक जो है जो रह चुके हैं या फिर कुछ सच का साथ दे रहे हैं कि लिस्ट स्क्रैप होनी चाहिए, और कुछ कह रहे हैं रिवाइज लिस्ट निकालो, जो कल्प्रिट्स उनको बाहर निकालो, जो मेरिटोरियस बच्चे से उनको ये कहना। ठीक है, दोनों की साइड बिल्कुल ही सही है, कोई भी गलत नहीं है। मेरिटोरियस वाले मेहनत करके नंबर लेके आए हैं, और दूसरे हैं वो कुछ स्कैमर्स की वजह से आउट हो चुके हैं। अब डिसीजन की बात करूँ, देखिए जैसे PSI में हो वैसे यहाँ पर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में भी होने वाला है। रिपोर्ट जो है आपके जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट GAD को जाएगी, उसके बाद हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी के पास जाएगी, और फाइनली जो है उनकी तरफ से ऑफिशियल ट्वीट यहाँ पर निकल के आ जाएगा, या फिर सोर्सेज के थ्रू इन्फॉर्मेशन ज़रूर आ जाएगी कि लिस्ट जो है क्या LG मनोज सिन्हा जी ने स्क्रैप करने का डिसीजन दे दिया है। ये बच्चों के निगाह में रखते हुए भी फैसला सुनाई देना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे हैं लगातार प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, जो मेरिटोरियस बच्चे हैं, लेकिन मेरिटोरियस बच्चों की एक जो रॉन्ग बात है वो कि कल्प्रिट्स को छुपा रहे हैं, उनका कहना है लिस्ट को स्क्रैप नहीं किया जाए, तो इससे क्या होगा, कल्प्रिट्स जो है बाहर निकल के नहीं आएंगे। ठीक है, अब जो है 3 मेंबर कमेटी जो है रिकमेंड कर सकती है कि इसमें CBI इंक्वायरी हो, जो इन्फॉर्मेशन निकल के यही आ रही है कि रिक्रूटमेंट में भी स्कैम ज़रूर हुआ है, लेकिन लिस्ट को स्क्रैप होगी या रिवाइज लिस्ट आएगी इसको लेके अभी कोई भी क्लेरिफिकेशन, कोई भी ऑफिशियल सोर्सेज या कोई भी अननोन सोर्सेज से खबर निकल के नहीं आई है। लेकिन 2-3 दिन के अंदर जो, जी हाँ, 2-3 दिन के अंदर जो है आज ही भी हो सकता है आपको न्यूज़ पता चल जाएगी कि लिस्ट को स्क्रैप किया जाएगा। यहाँ सबसे पहले CBI इंक्वायरी होगी, उसके बाद मालूम पड़ेगा किस लेवल का स्कैम, और उसके बेस पे आपको लिस्ट को स्क्रैप कर दिया जाएगा। तो आज की वीडियो में यही अपडेट था आपके लिए, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के बच्चों के लिए। ठीक है।